कपूर और आलिया भट्ट की हो गई थी 11 साल पहले ही शादी। आखिरकार 11 साल पहले की कौन सी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की तस्वीरें हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल? क्या है ये पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ट्रस्ट ये आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि रणबीर कपूर और साथ ही साथ आलिया भट्ट जो कि कुछ ही दिनों पहले एक दूसरे के हो गए हैं और इन दोनों ने एक दूसरे से शादी रचा ली है। वेल, फैंस के बीच आ गई है एक और शॉकिंग न्यूज़। जी हाँ, जिस तरीके से संजय लीला भंसाली के साथ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों अभी भी कनेक्टेड हैं, वैसे ही संजय लीला भंसाली ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी में दिया है उन्हें बेहद ही ज़्यादा खास तोहफा। जी हाँ, ये तस्वीर दी है संजय लीला भंसाली ने जो कि 11 साल पहले की है। जी हाँ, जब आलिया भट्ट 11 साल की हुआ करती थी और रणबीर कपूर जो है वो एक 20 साल के हुआ करते थे। वाल उस वक्त बालिका वधू के लिए दोनों का स्क्रीन टेस्ट कराया जा रहा था और उसी दौरान रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ये तस्वीर क्लिक की गई थी, जहाँ की रणबीर कपूर के शोल्डर पर अगर हम कह दें तो आलिया भट्ट लेटी हुई नजर आ रही थी। वल इस तस्वीर के बाद संजय लीला भंसाली ने उसी वक्त संजय लीला रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बीच में एक बॉन्डिंग को महसूस किया था, जो कहीं ना कहीं आज सच होता साबित हुआ है। वल फिलहाल तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पर नहीं शेयर किया है, लेकिन फैंस के बीच ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। वल ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं ये शो किया जा रहा है कि इनकी कनेक्शन जो है वो 11 साल पहले ही बन चुकी थी और कहीं ना कहीं अब जाकर शादी भी हो गई और दोनों का एक दूसरे से मिलना भी हो गया। आखिरकार आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं जब आलिया भट्ट इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करेंगी, उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।